Press the bell icon and never miss a video from Flip Academy. Now let's start with a very important and a very generalized topic, that is motion. Motion hota kya hai? Isko janne se pehle hum ye dekhenge ki motion aaya kahan se hai. So now let's move on to the discovery of motion. सबसे पहले बहुत फेमस साइंटिस्ट थे दैट इज एरिस्टोटल. उन्होंने डिस्कवर किया दैट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज टू बी एट रेस्ट. उस समय उनका दिया हुआ ये कोटेशन एंड स्टेटमेंट इट प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज एंड लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस. उसी के साथ आपका जो टर्म है जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज फिजिक्स. एरिस्टोटल ने जब ये स्टडी करना शुरू किया अबाउट मोशन एंड अबाउट रेस्ट तब उसी के साथ फिजिक्स भी डेवलप हुआ. सो फ्रॉम देन ओनली द फिजिक्स ऑल्सो केम इन टू एक्सिस्टेंस. फ्रॉम एंशियंट ग्रीक द फिजिक्स मीन्स नेचर, दैट इज द स्टडी ऑफ नेचर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट गैलीलियो केम फॉरवर्ड विथ हिज ओन इनोवेटिव आइडियाज. ही डिस्कवर्ड वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, दैट इज मोशन. अगर मोशन को काफी इजी तरीके से समझाया जाए या देखा जाए कि मोशन होता क्या है तो उससे एक वर्ड जुड़ा है दैट इज मूवमेंट. दैट इज इफ अ बॉडी इज इन मोशन द बॉडी इज इन मूवमेंट. सो वी कैन से सो दैट द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. फॉर एग्जाम्पल आपके अगल बगल डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स भी आप देखते होंगे, अ कार मूविंग, अ बॉय रनिंग, अ टेबल फैन, अ नॉर्मल सीलिंग फैन वाइल इट इज रोटेटिंग, इवन द अर्थ जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो भी कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन. सो दैट मीन्स द अर्थ इज ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ मोशन. अगर मोशन को ऑपोजिट देखा जाए सो दैट इज कॉल्ड रेस्ट. दैट मीन्स द बॉडी व्हेन इट इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट, व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट माई क्वेश्चन इज कि हमें कैसे पता चलता है दैट द बॉडी इज मूविंग और द बॉडी इज एट रेस्ट. कुछ तो टर्म्स होंगे या कुछ पैरामीटर्स होंगे जो ये जज करते होंगे कि बॉडी मूव कर रही है कि बॉडी रेस्ट पे है. यस, देयर आर वेरियस पैरामीटर्स दैट जज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. देयर आर बेसिकली फोर पैरामीटर्स ऑन विच द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बेस्ड अपॉन. दैट इज द पोजिशन, द टाइम, द वेलोसिटी, द एक्सीलरेशन एक्सेट्रा. Now, in this chapter, I am going to emphasize much on position and time. तो अब हम पढ़ेंगे कि position और time के respect में motion को कैसे judge कर सकते हैं. तो सबसे पहले जानिए कि position का मतलब क्या होता है. Position का मतलब है हमारी location. That is, जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर भी हम हैं उस point पर, that is called position. अब अगर ये position change हो जाए With respect to the time, तो हम कह सकते हैं that that object is in a state of motion. इसी को समझाने के लिए let me demonstrate you a very simple example. Suppose a boy is standing on the road. वो किसी कार को देख रहा है और वो देख रहा है कि वो कार एक particular point से let's say a point A. Point A से कार move करना शुरू होती है और point B पर पहुंचती है. तो उसने क्या देखा कि कार की जो पोजीशन है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चेंज हो रही है. और अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसका मतलब है उसका टाइम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि पॉइंट ए पर अगर वो किसी टाइम टी पर थी तो पॉइंट बी पर वही टाइम आपने 3 सेकंड बाद रिकॉर्ड किया तो आपने देखा कि कार की पोजीशन अब चेंज हो गई है, अब वो पॉइंट बी पर कार मूव हो गई है. तो मतलब वो बॉडी जो अपनी पोजीशन चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन. अब अगर कोई बच्चा है वो कहीं बैठा हुआ है, लेट्स से पार्क या गार्डन में कहीं बैठा हुआ है, ठीक है, आपने उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर देखा, 11:30 बजे आपने उसको देखा कि वो बच्चा किसी बेंच पर बैठा हुआ है, इट इज नॉट मूविंग. आफ्टर हाफ एन आवर आपने फिर से देखा कि वो लड़का उसी बेंच पर अभी भी बैठा हुआ है.
तो क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम? नो, उस बच्चे की पोजीशन पहले भी वही बेंच पर थी 11:30 बजे और 12 बजे भी उसकी पोजीशन वही है. दैट मीन्स द बॉय इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ मोशन, द बॉय इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मोशन एंड रेस्ट. अब अगर हम इसको पढ़ने के बाद और भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की तरफ मूव होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ मोशन, अब हम उसी एग्जांपल में फिर से मूव होते हैं. अ बॉय हु वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड, ओके, अकॉर्डिंग टू अस आप जब देख रहे हैं कि वो जो लड़का है दैट इज स्टेशनरी. तो अगर वो कार को देख रहा है, कार का मूवमेंट वो जज कर रहा है, तो दैट बॉय इज कंसिडर्ड टू बी एट रेफरेंस पॉइंट. तो मोशन को हमेशा जज करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है और रेफरेंस पॉइंट हम जनरली स्टेशनरी पॉइंट को ही कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को और अलग तरीके से समझाऊं, जैसे कार अगर रोड पे मूव कर रही है, हमें कैसे पता चल रहा है कि कार मूव कर रही है? हमें सिर्फ इस वजह से पता चल रहा है क्योंकि हम कार का जो मोशन है वो कंपेयर कर रहे हैं स्टेशनरी ट्रीज से, स्टेशनरी बिल्डिंग से, स्टेशनरी रोड से. इसी वजह से हमको पता चल रहा है कि कार हमारी कंटिन्यूसली मूव कर रही है. तो मोशन के लिए हमको क्या चाहिए होता है? रेफरेंस पॉइंट, एंड दैट टू अ स्टेशनरी पॉइंट. ओके, सो नाउ द डेफिनेशन of motion is modified. अब हम कह सकते हैं that motion is said to occur when the location of the body is changed in reference to the position and time with respect to the reference point, that is a stationary point. ठीक? अब इसी definition को explain करने के लिए let's take another example. For example, अगर हम train में बैठे हुए हैं, ठीक? और उस train में हम बाहर फील्ड, ट्रीज, बिल्डिंग सब देख रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि हमारी ट्रेन मोशन में है, मतलब मूवमेंट में है. कुछ टाइम के बाद आपकी खिड़की के बाहर आपने देखा कि एक और ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में आपकी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है. अगर आप कंटिन्यूअसली दूसरी ट्रेन को देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि एक पॉइंट पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपकी ट्रेन रुकी हुई है कि आपकी ट्रेन मोशन में है. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब मोशन कंपेयर करने के लिए आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, आपके पास कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं है. सामने जो ट्रेन है वो भी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, आपकी ट्रेन भी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है. दोनों के मोशन को कंपेयर करने के लिए कोई भी हमारे पास रेफरेंस या स्टैटिक पॉइंट नहीं है. जैसे ही ट्रेन पास कर जाती है, अगेन फिर से ट्रीज दिखेंगे, फील्ड्स दिखेंगे, और नाउ यू रियलाइज दैट यस योर ट्रेन इज मूविंग. एकदम से आपको कैसे पता चलता है कि आपकी ट्रेन मूव कर रही है? क्योंकि अब आपने अपनी पोजीशन को, अपनी चेंजिंग पोजीशन को कंपेयर किया विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दैट आर द ट्रीज, द ट्रैक, द रोड एक्सेट्रा. इसी को समझने के लिए चलिए मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ. सपोज अगर आप बस में बैठे हुए हैं और आपने बस बोर्ड किया एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए, ठीक? अब अगर आपने बस में बोर्ड किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर एट मोशन, तभी तो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं. लेकिन क्या आप एक्चुअल में मोशन में हैं? आप तो गए, आपने बस में सीट ली और आप बैठ गए, दैट मीन्स यू आर एट रेस्ट. लेकिन उस बस में आप बैठे हैं जिसने आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव किया, तो एक ही टाइम पर आप रेस्ट पर भी हैं और एक ही टाइम पर आप मोशन भी हैं. तो क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि कोई एक टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी हो, वो मोशन पर भी हो? ये फिजिक्स में इट कैन बी पॉसिबल, और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मोशन हमेशा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है. अभी अभी मैंने बोला कि मोशन को कंपेयर किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ठीक? अब अगर आप बस के अंदर बैठे हैं तो आपकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रीज, जो बस के बाहर ट्रीज हैं, जो रोड हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. तो अगर आपका रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी ट्रीज या स्टेशनरी रोड है, तो उस पॉइंट पर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, यू आर एट मोशन. अगर कोई पैसेंजर आपके सामने बैठा हुआ है और आप कंटिन्यूअसली उससे बात कर रहे हैं, तो आप उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं.
तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वर हैं, दो रेफरेंस पॉइंट हैं। पहला रेफरेंस पॉइंट जो बस के बाहर है, जो स्टेशनरी है, अगर वो कोई आदमी बस के बाहर खड़े होकर आपको देख रहा है, ठीक, तो वो देखेगा कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन, आप बस के साथ कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। और ड्राइवर के रिस्पेक्ट में, सीट के रिस्पेक्ट में, और बस के अंदर जितना भी सामान है या जो पैसेंजर हैं जो आपके साथ उस सीट के आसपास बैठे हुए हैं, उनके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पर हैं। तो मोशन हर जगह पर अलग होता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, दैट इज फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है इस पर मोशन डिपेंड करता है। तो मोशन हमेशा एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है, मोशन को हमेशा कंपेयर करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। जैसे अगर हम इस अर्थ सरफेस पर रह रहे हैं, ठीक, तो आप मुझे देख रहे हैं, मैं कंटिन्यूअसली एक जगह पर खड़ी हूँ डिलीवरिंग द लेक्चर्स, तो आपके अकॉर्डिंग आई एम एट रेस्ट। लेकिन जिस अर्थ सरफेस पर हम हैं, ये अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब अर्थ कंटिन्यूअस स्टेट में है, इन अ स्टेट ऑफ मोशन, लेकिन आई एम नॉट मूविंग, मैं मूव नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप भी उसी अर्थ के ही पार्ट में हैं, आप भी उसी बस के अंदर हैं, आप भी उसी अर्थ के अंदर हैं, इसीलिए आपके रिस्पेक्ट में आई एम एट रेस्ट। अगर कोई स्पेस से अर्थ सरफेस में रहने वाले लोगों को देखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम मोशन में होंगे। क्यों? क्योंकि वो उस बस के बाहर है, वो उस अर्थ कर्वेचर के बाहर है। तो मोशन को समझने के लिए थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट पर जरूर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल पर्सन टू पर्सन। नाउ This is all about the study of motion. Now let's see various types of motion. कौन कौन से types होते हैं motion के? Motion straight line में भी होता है। अगर सीधे road पे आप चल रहे हैं, car continuously सीधी line में चल रही है, तो वो straight line motion हो गया, ठीक। जैसे अगर train है, वो सीधी line में चल रही है, तो वो भी आपका straight line motion हो गया। मतलब एक line में चलने वाले motion को हम कहते हैं straight line motion। Similarly, अगर आप प्ले ग्राउंड में हैं, आप वहां देख रहे होंगे कई तरीके के मोशन हो रहे हैं, जैसे सी सॉ में बच्चों को बहुत मजा आता है खेलने में, तो वहां पर जो मोशन हो रहा है, दैट इज अप एंड डाउन, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मोशन। उसके अलावा अगर स्विंग है, तो वहां पर कैसा मोशन हो रहा है, बैक एंड फोर्थ, दिस बैक एंड फोर्थ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मोशन, बिकॉज द पोजिशन ऑफ द पर्सन इज चेंजिंग इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मेरी गो राउंड है, मेरी गो राउंड में अगर बच्चे खेल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन में बच्चे मूव कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन भी मोशन का एक टाइप है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोशन एंड द टाइप्स ऑफ मोशन।